ओके, टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल का उत्पादन और उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। हम सब जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए एक नरिशमेंट और फूड की रिक्वायरमेंट है, और उसको पूरा करने के लिए वी नीड प्लांट, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स एंड द अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर सर्वाइवल। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरीके की फसल बड़ी जगह पे हम उगाते हैं उसको हम क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट अ क्रॉप्स आर फॉर डिफरेंट टाइप। हम ये भी जानते हैं कि फसल बहुत ही तरीके की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स, अनाज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। और ये विभिन्नता कब दिखाते हैं, जब वो किस सीजन में ग्रो करती हैं। नाउ कम टू खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। वो फसल जो हम पानी या बरसात के मौसम में उनको उगाते हैं, और द सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। लाइक पैडी, इसमें हम पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर जनरली कॉल्ड खारिफ क्रॉप, जो कि हम जून टू सेप्टेम्बर में इनको शोन करते हैं। राबी क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करती हैं उनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं, लाइक इन द मिड ऑफ अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी लाइक वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। इसके अलावा भी हम पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, यानी कि हम अनेक तरीके की दालें और सब्जियां भी उगाते हैं जो कि डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर ग्रोन। नाउ कम्स टू द टॉपिक बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या क्या ऐसी तकनीकें हैं जो कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूजेस करते हैं। नाउ फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सोइंग, हम सीड्स को कब बोते हैं। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, हमें एक्स्ट्रा नरिशमेंट और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि फसल का उत्पादन ज़्यादा हो सके। इरिगेशन, सिंचाई या पानी देना, हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं ताकि उनकी अच्छी फसल हो। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट, जो कि हम कह सकते हैं जंगली प्लांट्स जो कि प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, वाटर लेते हैं और कंपीट करते हैं फॉर द सर्वाइवल। हार्वेस्टिंग, यानी कि अपने पूर्ण चरण, यानी कि पूरे सीजन में उनकी ग्रोइंग पीरियड में उनकी फसल का कटने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। स्टोरेज, जब हम पूरी तरीके से फसल का उपजाऊ कर लेते हैं, उनको काट लेते हैं तो हम उनको स्टोर करते हैं ताकि हम उनको आफ्टर स्टोरेज प्रोवाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। हमारा पहला टास्क होता है कि मिट्टी को हल्का और उसको पोरस करें, यानी कि उसमें आराम से हम हवा और पानी जा सके। नाउ प्लग, व्हाट इज प्लग। प्लग, नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस विद द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड टेलिंग और प्लगिंग। हम जब सॉइल को लूजन करते हैं, उनको हल्का बनाते हैं, उसके बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको तोड़ के उसको उपजाऊ बनाते हैं ताकि उसमें हवा और पानी आराम से एब्जॉर्ब हो सके, उसको हम टेलिंग और प्लगिंग करते हैं। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, किस किस तरीके की हेल्प से हम अपनी एग्रीकल्चर या फसल की उपजाऊ को बढ़ा सकें। फर्स्ट इज प्लग, यानी कि द इम्प्लीमेंट इज, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं प्लग, मतलब अपनी फसल के उपजाऊ के लिए। फर्स्ट इज प्लग, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एंशिएंट टाइम
for tilling the soil, adding fertilizer to the coil, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by, आप देख रहे हैं फिगर 1.1 में कि किस तरह किसान दो बैलों में प्लग को रखे हुए और उससे अपनी जो सॉइल है उसको हल्का कर रहा है, उसको पोरस कर रहा है ताकि वो अनाज बोने में काम आ सके. ना सेकेंड इज कल्टीवेटर. कल्टीवेटर आज आप देखते हो कि ट्रैक्टर की हेल्प से हम अपनी जो सॉइल को है वो लूजन करते हैं, उसको हम कल्टीवेटर कहते हैं. नाउ सोइंग. सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड, यानी कि पहले जब हम अनाज बोते हैं ताकि उसकी अच्छी फसल हो, उससे पहले किसान क्या करता है कि उसको देख लेता है कि उसमें से अच्छा क्या है और उसमें से बुरे सीड्स क्या है. तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इन एक्टिविटी 1.1 एक आप बीकर लीजिए और यू पुट सम वाटर एंड पुट हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टेबल, उसको घुमा दीजिए. उसके बाद आप देखेंगे जो हल्के सीड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे जो कि अनहेल्दी हैं, और जो आपके हेल्दी सीड्स हैं इट डॉन इन द सरफेस. नाउ ट्रेडिशनल टूल. हमारे ट्रेडिशनल टूल जो कि हम पहले से ही यूज़ करते आ रहे थे हमारे पूर्वज, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड, यानी कि फसल को उपजाने के लिए दिस मेक द सॉइल ऑल्सो लूजन एंड एड टू द सीड इन टू इट. आज कल हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं जो कि आप फिगर 1.2 में समझ सकेंगे कि इट इज़ अ लाइक अ आयरन फेस एंड वेयर इट इज़ अ वन एंड इज वेयर द सीड इज प्लेस, जहाँ पे हम एक तरफ सीड्स को डालते हैं और दूसरी तरफ इट विल कवर्ड विद द सॉइल. उससे होता क्या है कि इट विल प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द बर्ड्स टू ईट, यानी कि बर्ड से या से बचाने की कोशिश करते हैं, और इससे प्रॉपरली जो सीड्स हैं वो आपकी सॉइल में डिग हो जाती है. नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द टॉपिक 1.4 एडिंग मैन्योर, यानी कि द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड, यानी कि पेड़ों में कभी कभी हमें खाद भी देना पड़ती है जो कि दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्योर और अनदर वे इज फर्टिलाइजर. मैन्योर इट्स जनरली यूज द लाइक आ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल, जो कि लाइक एनिमल्स और प्लांट की मदद से वो डीकम्पोज होती हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिक्स होते हैं दे फीड ऑन इट, उनको अपने नरिशमेंट में यूज़ करते हैं एंड इट चेंजेस इनटू द फर्टाइल फॉर्म. लाइक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इज़ अ केमिकल, यानी कि हम इसको पूर्ति के लिए, यानी कि खाद इतने अमाउंट में नहीं बन पाती है कभी कभी, तो फर्टिलाइज़र वी एडेड टू द सॉइल टू मेक द सॉइल फर्टाइल. लाइक इसको हम केमिकली और फैक्ट्री में बनाते हैं. नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर एक्टिविटी 1.2 में, देयर इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट और ग्रोइंग सीडलिंग एंड मैन्यू. अगर आप ये कर सकते हैं तो यू डू एट होम. यू टेक थ्री बीकर, आप थ्री बीकर लीजिए, उसमें कुछ लाइक अ मूंग लाइक अ वीट सीड्स एनी सीड यू वांट, और उसमें मिट्टी के साथ आप एक फर्स्ट पैनल में मैन्योर डालिए, बी पैनल में आप फर्टिलाइज़र डालिए, सी यू ऐड नथिंग. आप देखोगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है. यू कैन सी दैट ए पार्ट शो सम ग्रो, बी शो मोर ग्रोथ एंड सी शो लिटिल ग्रोथ, यानी कि अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र अपनी क्रॉप्स में ऐड करते हैं तो वो हमारी फसल को और भी ज़्यादा उपजाऊ बना देती है. लाइक फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स एंड विच आर अ नरिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लाइक एग्जांपल यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस. इस तरीके के हम केमिकल फर्टिलाइज़र आजकल यूज़ कर सकते हैं. हमें अपनी फसल को उपजाऊ बनाने के लिए वी यूज़ अनदर मैटर ऑफ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद नरिशमेंट विद द क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि एक फसल लगने के बाद उसमें कुछ समय का
ड्यूरेशन या टाइम देके दूसरी फसल उगाना। उससे होता क्या है कि वी रिप्लेनिश द सॉयल नरिशमेंट। काफ़ी लंबे समय तक एक ही तरीके की फसल को पैदा करने से सॉयल लूज इन देयर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उसके जो खनिज पदार्थ हैं वो कम होते हैं। तो उस खनिज पदार्थ को दोबारा लाने के लिए वी डू द क्रॉप रोटेशन। एक क्रॉप लगाने के बाद वी यूज नॉट यूज द अनदर क्रॉप, लाइक अ वर्स फर्स्ट वी यूज वीट, देन द अनदर 4 to 6 months वी यूज राइस और अ पैटी क्रॉप। नाउ देयर इज अ सम डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है। ना फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड फर्टिलाइजर, हम मैन मेड हैं और वो आपकी लाइक फैक्ट्रीज में बनती हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैटल डंग एंड द प्लांट रेसिड्यू, जो कि आपके प्लांट और एनिमल के बचे हुए अवशेषों से बनाई जाती है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस यानी कि आपकी फसल को कुछ समय तक के लिए मॉइस्चर, यानी कि उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज है। सो फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और लाइक प्रोवाइड बट आर नॉट ह्यूमस। मैन्यूर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। नाउ फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लाइक फर्टिलाइजर में आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर वेरी रिच इन बिकॉज दिस नीड्स आर लार्ज अमाउंट बाय द प्लांट्स। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज, हमें मैन्योर से एडवांटेज क्या मिलती है, यानी कि जो हम खाद बनाते हैं अपने खेतों में उसका क्या यूजेज है। इट इनहांस द वाटर होल्डिंग, काफ़ी लंबे समय तक पानी को रोक के रख सकती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, यानी कि सॉइल को बहुत हल्का कर देती है, जिससे कि आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम वेरी इजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो लाइक विच हेल्प द माइक्रो ऑर्गेनिज टू ग्रो, सो इट विल हेल्प द सॉइल टू यूज मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स। नाउ कम्स टू इरीगेशन, वॉट इज़ इरीगेशन, यानी कि खेतों में पानी पहुँचाने का जो व्यवस्था होती है उसको हम इरीगेशन कहते हैं, यानी कि सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरीगेशन। नाउ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, पहले के समय में हम किस तरीके से पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता था, लाइक मोट, चेन पम्प, ढेकली एंड राहत। आप इस डायग्राम्स को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम पानी खेतों तक पहुँचा सकते थे। नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, नाउ आजकल समय को देखते हुए और ज़्यादा उपज के लिए हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं, जो कि इट टेक लेस टाइम ऑफ द फार्मर। नाउ स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में होता क्या है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, जहाँ पे लैंड जमीन सीधी ना हो और वेयर इनसफिशिएंट और वाटर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि पानी का पहुंचना कम हो और जहाँ पे पानी ना हो वहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है, जहाँ पे पाइप आर कनेक्टेड टू द रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंट, लाइक अ फव्वारे की तरह वो पानी को खेतों तक पहुँचाता है, उससे पानी की बचत होती है और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ही पानी पहुँचता है। नाउ ड्रिप इरीगेशन, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस सिस्टम में हम बूंद बूंद की तरह रूट तक पानी को पहुँचाते हैं, जिससे कि जहाँ पे आपकी रूट्स ऑफ द प्लांट है वहाँ पे ही पानी का पहुँचना हो और लेस अमाउंट ऑफ वाटर वी यूज टू ग्रो मोर क्रॉप्स। नाउ कम्स टू टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हम पेड़ों को वीड्स से कैसे बचाएं। अब व्हाट आर वीड्स, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोज विद द क्रॉप्स। नाउ दे आर कंपीट विद द क्रॉप्स फॉर द स्पेस
जगह के लिए लाइक वाटर एंड द नरिशमेंट. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. जब जंगली पेड़ पौधे फसल के साथ पैदा होते हैं और वो पानी, जगह और नरिशमेंट के लिए कम्पीट करते हैं, उसको हम वीड्स कहते हैं. इन वीड्स को या अनवांटेड प्लांट को हटाने के लिए हम केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, वी इज नोन एज अ वेडिसाइड. और इनको हटाने की प्रक्रिया को हम वीडिंग कहते हैं. नाउ हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज अ इम्पॉर्टेंट टास्क लाइक कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर. जब फसल अपने पूर्व काल यानी कि पूर्व समय पे आ जाती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, और इसको काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग. नाउ कितना इट टेक्स अबाउट 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, यानी कि फसल को अपनी पूर्ण रूप से बनने में 3 to 4 months लग जाते हैं. अपने देश में हार्वेस्टिंग बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पे किसानों के द्वारा मनाया जाता है, और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से देखा जा सकता है. लाइक आफ्टर 3 to 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, द स्लाइट ऑफ गोल्डन फ्लीट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. नाउ ऑफ अ ग्रेट जॉय हैप्पीनेस, यानी कि जब फसल अपनी पूर्ण चरण पे आ जाती है, उसको काटने का समय आ जाता है, तो किसान का मन हर्ष उल्लास से भर जाता है और वो उसको काटने को फेस्टिवल के तौर पे बनाता है, जिसको हम पोंगल, बैसाखी, होली और दिवाली के त्यौहारों में से माना जाता है. नाउ इन हार्वेस्टिंग देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म. नाइप व्हेन वी द ग्रेन्स आर सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ. जब हम अनवांटेड चैफ को सीड से अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं. नाउ अनदर फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग. इट इज़ अ विन, यानी कि इसमें से आपकी एक मशीन होती है जो कि विनोइंग यानी कि हैवी विंड ब्लो करती है, जिससे कि जो लाइट पार्टिकल से फ्लोन अवे एंड द हैवी पार्टिकल लाइक वीट आर कम डाउन साइड. नाउ स्टोरेज. हम स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. सो इट इफ द हार्वेस्टिंग ग्रेन आर टू बी कैप फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी कि स्टोरेज यानी कि फसल को जब हम काट लेते हैं उसको स्टोर करने का टाइम आ जाता है, तो उसको स्टोर करने से पहले हम ये चीज़ का चेक करते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर ना हो. अगर मॉइस्चर होगा देन इट विल एड द फंगस एंड इट विल स्पॉयल द सीड एंड क्रॉप्स ऑल्सो. सो बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई. इससे पहले हम उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं एंड रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम द प्रिवेंट द अटैक बाय, जिससे कि पेस्ट और बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डू नॉट अटैक ऑन देम. नाउ लुक एट द फिगर 1.10, यानी कि आप देख रहे हो कि दिस फिगर शोज द स्लोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन. स्लोज आर इन अ फैक्ट्रीज आर अ लार्ज ग्रेनरी, बड़े बड़े जहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जब तक कि वो मार्केट्स में आपकी एक्सपोर्ट ना हो जाए. नाउ फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स. अ लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन स्लोज एंड ग्रेनरी. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दीज प्रोसेस मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट, यानी कि अनाज के अलावा भी जो लोग कोस्टल एरियाज में समुद्र किनारे रहते हैं उनके लिए देयर कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट. सो देयर इज अ सी फूड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव जस्ट सीन दैट अ प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन फसल के लिए हमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स की ज़रूरत होती है, उनको बोने की ज़रूरत होती है. सिमिलरली एनिमल्स रियर एट होम, जो कि पशुपालन का काम करते हैं, जो उनको खाने का उनको रहने का जगह दे के उनका पालन करते हैं, उनको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. नाउ चैप्टर इज़ ओवर. थैंक यू.